टेस्ट स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे? तो भाई एक राइट ट्रायंगल पॉली बना ही दीजिएगा, मतलब राइट ट्रायंगल आपको पता नहीं है लेकिन राइट ट्रायंगल बना लीजिए और लिखिए इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ, जब बना लीजिएगा तो किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम पूरा होना चाहिए ए सी स्क्वायर, इफ लगा दिए इफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देन ए सी जो इधर भी है ना अकेले उसके सामने वाला है ए सी में बी नहीं है बी ए उसके सामने होगा इसके सामने क्या होगा बी देन एंगल बी इज इक्वल टू बस एक नंबर पर हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ ये सब दया वाली चीज है समझ आए ना, अगर वो याद के लिए ज्यादा अच्छा है अच्छे स्टूडेंट के लिए नहीं है लेकिन जहाँ डूबते डूबते का सहारा है ये समझ गए ना, वैसे कोई कम भी नहीं है ठीक है ना, वैसा ना समझिएगा याद कर लेते तो थोड़ा मजा भी आता है समझ आए ना। इफ ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ ए सी स्क्वायर इक्वल इतना देन एंगल बी इक्वल टू, पाइथागोरस भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं इन ए ट्रायंगल इफ एंगल बी इक्वल पैटर्निंग देन इतना, जैसे अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री देन, अब बी को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा ए सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे भी उसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं एक नंबर लाइन हम लोग तक ज्यादा अच्छा है हैं दूसरे हम लोग किए हैं उससे ज्यादा अच्छा। तो अब इसमें फिर अब गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा आपको ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और टू लोग हो जाएगा कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस समय कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखिए आप कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है ना, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दिया हो तो कोई भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एक साइड इसके बराबर हो एक साइड इसके बराबर हो और बीच का एंगल 90 डिग्री हम कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ से ये सपोज करिए कि हमने DEF ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें ए बी बराबर है डी के, बी सी के बराबर हो गया ई एफ और ये एंगल 90 डिग्री है, हम इसका सिर्फ दो साइड यूज कर रहे हैं ठीक है ना, 90 डिग्री अपने मन से ले रहे हैं, कोई भी कर सकते हैं जैसे कि हम इसको कहें कोई एक लेंथ दे दें इसको एक लेंथ दे इसको इसके बीच का 90 डिग्री तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं। तो हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसकी विशेषता ये है कि एक एंगल इसका 90 डिग्री है और इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं आर्क्स जो है ये वो इसके बराबर है ठीक, बस तो इतना अगर आप समझ गए। तो अब क्या करना है कि इन ट्रायंगल DEF एंगल ई इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया वी ड्रॉ ट्रायंगल DEF such that AB is equal to BD and BC is equal to EF and angle D is equal to 90 degree. But here in triangle BEF angle E is equal to 90 degree. तो यहाँ पर क्या होगा इस ट्रायंगल में तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो ये 90 डिग्री है तो किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा DEF स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर क्यों यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी के कन्वर्स में भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की सहायता से ही यूज किए थे उसको प्रूफ किया गया था, इसमें भी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही इसको प्रूफ करना है
तो यहां से हो गया। अब डीई किसके बराबर है, डीई कंस्ट्रक्शन से डीई किसके बराबर है, एबी के बराबर है। तो डी के बदला हम एबी लिख सकते हैं और डीएफ किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। तो यहाँ बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं, डीएफ स्क्वायर, इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को जरा कंपेयर करने से क्या बराबर मिलता है, बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू एसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीएफ स्क्वायर, ऐसे मिलता है ना, क्योंकि दोनों का आर एस एस बराबर है, रिलेटिव बराबर होगा। और जब ए सी स्क्वायर और डी एफ स्क्वायर हुआ तो ये हो गया ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ मिल गया। तो ए सी इक्वल टू डी एफ मिल गया और ये एन ऑल्सो ए बी इक्वल टू डी एंड बी सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू डी एफ। तो ये तीनों से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे किस कॉन्ग्रुएंसी से, सो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी इससे हो जाएगा। जब ये हो गया इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों, सीपीसीडी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बट ई कितना था, बट ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते, देखिए अगर ध्यान दीजिएगा ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली लॉजिक।